हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दामोड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश के डाउट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किए थे कि या भैया या सर, इस तरीके के डाउट हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जैसे एक था हियर और लिसन, और हियर यानी भी सुनना और लिसन यानी भी सुनना। तो अब इन दोनों का यूज़ हम कहाँ करेंगे और किस तरीके से करेंगे? क्या हम सुनने के लिए इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं? बट किन कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे? और जो नेक्स्ट है वो है वॉच, लुक और सी। क्या इन तीनों का देखना ही होता है? और किन कंडीशन में हम इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं और किन कंडीशन में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते? सो ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो तक, आप लास्ट तक बने रहिए। आई होप आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में घंटे के निशान को जरूर दबाइए, जिससे मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन या क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो पहला डाउट्स है इंग्लिश में अधिकतर बच्चों के, वो है हियर। हियर वर्सेस इसमें आता है लिसन। हियर और लिसन, ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल कॉन्सेप्ट रहा है इंग्लिश में। इसका अर्थ होता है सुनना, इन दोनों का अर्थ होता है सुनना। सो दोस्तों, हम इन दोनों को बारीकी से समझेंगे कि आखिर इन दोनों का अर्थ सुनना होता है तो इनका हम किस तरीके से इंग्लिश में यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल सहित बताऊंगा कि किस तरीके से हम हियर और लिसन दोनों का यूज़ समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हियर की। जो हियर है उसका मतलब होता है सुनना और लिसन का मतलब होता है सुनना। अगर हम हमारे कान है तो हमें कोई भी चीज़ सुनाई देती है। अगर जैसे जैसे बादल गरज रहे तो हमने वो सुना नहीं, हमें वो सुनाई दिया। हमारे कान है तो हमें सुनाई दिया। अगर जैसे पानी गिर रहा है तो हमें सुनाई देता है पानी की आवाज़, तो हमने इंटेंशनली उसे सुना नहीं, जानबूझकर नहीं सुना, हमारे कान है तो हमें सुनाई दिया। इसी तरह यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट, हम जानबूझकर कोई चीज़ सुनते हैं। जब हम जानबूझकर कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे हम गाने सुनते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं लिसन। तो यहाँ पर एक सीधा सा अर्थ निकलता है कि हमारे कान है और किसी भी चीज़ की हमें आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ पर हम हियर का यूज़ करेंगे। और अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम जानबूझकर सुनते हैं, जानबूझकर सुनना, अगर हम किसी भी चीज़ की आवाज़ को जानबूझकर सुनते हैं तब हम वहाँ पर लिसन का यूज़ करते हैं। और अगर किसी भी चीज़ की आवाज़ हमें सुनाई दे तो वहाँ पर हमें हियर का यूज़ करना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड की ओर बढ़ते हैं। और ये जो वर्ड है ये भी लास्ट वाले शब्द से ही रिलेटेड है। यहाँ पर जो है हमारा शब्द वो है वॉइस, वॉइस वर्सेस साउंड। वॉइस और साउंड, इन दोनों का अर्थ निकलता है, इन दोनों का जो अर्थ है वो है आवाज। इन दोनों का अर्थ है आवाज, किसी भी चीज की आवाज। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि सर, वॉइस और साउंड में आखिर डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करें कि जो वॉइस है, वॉइस वो एक यूँ कहा जाए कि एक सजीव चीज़ों से निकलती है। वॉइस सजीव चीज़ों से निकलती है, उस आवाज़ को हम वॉइस कहते हैं। जो भी जीवित प्राणी है,
जीवित प्राणी की किसी भी क्रियाकलाप या वो जो कार्य करता है उससे अगर कोई साउंड निकलता है, कोई आवाज निकलती है, तो वो वॉइस कहलाती है। और अगर निर्जीव चीज हो और उससे अगर कोई भी कार्य क्रिया करते आवाज निकलती है तो वो साउंड कहलाएगा। जैसे मैं इस बोर्ड को अगर इस तरह से ठोकू तो इसमें से आवाज निकलती है तो ये साउंड कहलाएगा, ये साउंड कहलाएगा। अगर कोई भी आदमी अगर उबासी ले, जम्भाई ले, तो उसे अगर कोई भी कुछ बोले तो वो उसकी वॉइस कहलाएगी, उसकी वॉइस कहलाएगी। और अगर हम किसी भी चीज़ को जैसे मार करें तो ये मार्कर को आपस में ठोक रहा हूँ तो इसमें से निकल रही है साउंड, इसमें से निकल रही है साउंड। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी एक सीधा सा फंडा है कि सजीव चीज़ों से निकलने वाली आवाज़, कोई भी क्रियाकलाप करने के दौरान जो आवाज़ निकलती है वो वॉइस कहलाती है। और जो निर्जीव चीज़ें रहती है, निर्जीव चीज़ें कोई भी क्रियाकलाप तो वो नहीं कर सकती, बट उन पर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है और जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को साउंड कहा जाता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मैटर भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं जो कि कन्फ्यूजन वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक, सी और वॉच की। इन तीनों का अर्थ होता है देखना, इन तीनों का अर्थ होता है देखना, बट अब ये किन किन सिचुएशन में और कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लुक की। तो लुक हम वही कंडीशन हम लगाएंगे जहाँ हमने बात करी थी उसकी, जहाँ हम सुनना, लिसन और हियर पर बात करी थी, वहाँ पर भी सेम फंडा है। जैसे लुक, लुक यानी हमारी आँखें हैं तो हम जानबूझकर किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे मैं मोबाइल की तरफ जानबूझकर देख रहा हूँ, मैं मोबाइल की तरफ जानबूझकर देख रहा हूँ इस तरीके से, तो इसका एक सिंपल सा अर्थ निकल आता है कि जानबूझकर देखना, जानबूझकर देखना। यहाँ पर लुक का एक सिंपल सा अर्थ निकल आता है, या फिर इसका एक और अर्थ निकलता है किसी स्पेशल, मतलब जो भी कोई एक निश्चित चीज़ है उसे ध्यान से देखना, एक निश्चित चीज़ को ध्यान से देखना। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कोई भी टीचर बच्चे को कहते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड की ओर ध्यान से देखो, मतलब बोर्ड की ओर ध्यान से देखो। तो किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट आता है वो हमारे पास है सी, सी यानी देखना। तो हमारी आँखें हैं तो हमें कोई चीज़ भी दिख जाती है, जैसे कोई भी चीज़ सामने है तो हमें वो दिख जाएगी। जैसे मेरे सामने एक स्टैंड रखा हुआ है तो मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है, मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, वो मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरी आँखें हैं। और मेरे सामने दीवार है, कमरा है, वो मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं रहा हूँ, मेरी आँखें हैं तो मुझे दिख रही है, मतलब आँखें हो तो दिखना। ठीक, अब आता है वॉच। जो वॉच है ये भी इसी तरह से लगता है जानबूझकर देखना। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो इस तरीके से हम इसके लिए लगाते हैं। जैसे मूवी देखना, कोई सा भी वीडियो देखना, इस तरीके से वॉच का यूज किया जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये मैटर भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम अगले कंफ्यूजिंग वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं और जो हमारे नेक्स्ट वर्ड्स है वो है कीप और पुट। कीप और पुट ये भी अधिकतर बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में परेशान करते हैं और ये भी उनका एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डाउट रहता है कि आखिर कीप का अर्थ भी रखना और पुट का अर्थ भी रखना, तो आखिर हमें इनका यूज़ कहाँ कहाँ और किस तरीके से करेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीप की। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कीप का अर्थ एक अपने अंदर ही रखना। जैसे हैव पेशेंस, धैर्य रखें,
हैव गुड थॉट्स, अच्छे विचार रखिए। तो मन ही मन में किसी चीज को धरने के लिए या रखने के लिए भी हम कीप का यूज करते हैं। मतलब फिजिकली और मेंटली हम इसे दोनों तरीके से रख सकते हैं। एक फिजिकली भी रख सकते हैं और एक मेंटली भी रख सकते हैं। मेंटली मतलब अंदर के अंदर ही, और फिजिकली मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि आई कैप्ट इट ऑन द टेबल, आई कैप्ट इट ऑन द टेबल, मैंने इसे टेबल पर रखा। यहाँ पर मैंने कीप की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। दोस्तों हम यहाँ पर कीप का अर्थ मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक फिजिकली भी और मेंटली भी, बट पुट के फंक्शन में ऐसा नहीं है। पुट का अर्थ केवल यहाँ पर फिजिकली ही कर सकते हैं, यहाँ पर मेंटली हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंस था कि कीप का अर्थ हम, कीप का यूज़ हम फिजिकली और मेंटली दोनों जगह कर सकते हैं, और पुट का यूज़ हम केवल फिजिकली ही कर सकते हैं, मेंटली इसका यूज़ नहीं होता। जैसे मैं कुछ आपको कीप के एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे हैव गुड थॉट्स, हैव पेशेंस, हैव फेथ, हैव हॉनेस्टी, हैव ग्रेट हैबिट्स, अच्छी आदतें रखिए। और पुट तो आप जानते हैं कि मोबाइल वहाँ रखो इस तरीके से। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके। टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।